मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लवर्स ऑन बाइक. माई सेल्फ सौरभ. सो इट्स अ ब्यूटिफुल संडे एंड बाइकर्स लव संडे बिकॉज बाइकर्स लोगों को जस्ट एक बहाना चाहिए राइड के लिए. सो मैं भी वैसे ही कुछ कर रहा हूँ, निकल चुका हूँ एक छोटे से राइड पे. एंड आज का राइड होने वाला है टू जयपुर फॉरेस्ट जो कि बांकुड़ा साइड में है. और आज के राइड में हमारे साथ गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए आ गए हैं अभिनव फ्रॉम बाइकर बाबू मोशाई. तो आज मज़ा आने वाला है. आज हमारे इंस्टाग्राम पेज में अगर नहीं फॉलो किए हो तो प्लीज जाके कर लो. मेरा है बाइकर बाबू मोशाई, इसका है खुश फॉरएवर एंड ऑल्सो लवर्स ऑन बाइक, दोनों है. सो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, बिकॉज अभिनव के पास कुछ नए नए गैजेट्स हैं जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं. काफ़ी डिफरेंट शॉट्स वगैरह हम लोग लेने वाले हैं, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में. तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक राइड भी हो जाएगा और एक नए गैजेट्स को ट्राई भी कर लेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है. तो आप लोग जस्ट साथ रहिए, स्टे ट्यून टू द व्लॉग एंड एन्जॉय द एंटायर व्लॉग. आपको डानकुनी टोल के पहले एक लेफ्ट कट मिलेगा, वो आपको ले लेना है. और यहाँ से मौसाट होके चापाटांगा होके हम लोग निकल जाएंगे टूवर्ड्स आरामबाग. सो गाइज, ये जो रास्ता है दिस इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गुड रोड्स एंड बैड रोड्स. तो एक पैच था अभी जो उतना अच्छा नहीं था, टूटा फूटा रास्ता था एंड पूरा मार्केट एरिया था, तो थोड़ा सा ही क्रॉस करने में हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया. बट नाउ वी हैव गॉट गुड रोड्स, वी हैव गॉट गुड टारमैक. तो यहाँ पे थोड़ा मज़ा ले रहे राइड का. एंड सिंगल लेन रोड है तो थोड़ा आराम से जाना है आपको, बिकॉज यहाँ पे ट्रक्स और बसेस सब कुछ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सेफली जाना है आपको, ज़्यादा हड़बड़ नहीं करना है. सो यहाँ से चापाटांगा है 23 किलोमीटर्स, उसके भी आगे आएगा आरामबाग, फिर वहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा टूवर्ड्स जयपुर फॉरेस्ट. वैसे राइड में तो मज़ा आ रहा है, बट कभी कभी जब ये मार्केट प्लेस आ रहा है तब थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ रहा है एंड केयरफुली राइड करना पड़ रहा है, बिकॉज संडे है एंड पूरा पीक मार्केटिंग टाइम है, तो गाड़ी वाड़ी सब कुछ है एंड सारे लोग बाजार वाजार कर रहे, तो थोड़ा सा केयरफुली जाना पड़ रहा है. बट अदर देन दैट बहुत मस्त लग रहा है. तो अभिनव की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो वो पेट्रोल ले रहा है. बट जस्ट लुक एट दिस सीनरी, जस्ट लुक एट दिस ग्रीनरी ऑल अराउंड. सो यही चीज़ सबसे बेस्ट लगता है अगर आप आउटस्कर्ट्स में आते हो तो, कि आपको बहुत सारा ग्रीनरी भी देखने मिलता है एंड ये जो नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलता है वही सबसे बेस्ट लगता है. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द राइड. सो गाइज, हम लोग सोदपुर के पास में आ गए हैं और यहाँ पे खाना वाना का कुछ मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे एक मिठाई का दुकान मिला जहाँ पे हम लोग थोड़ा मिठाई विठाई खा रहे हैं. अभिनव सिंगाड़ा दे यार. हाँ भाई, ले भाई सिंगाड़ा खाओ, बहुत जोर से भूख लगा है. फिलहाल अभी चल रहा है एक छोटा सा ब्रेक, में वीडियो जरूर आना चाहिए. एकदम एकदम, उसका मजा ही कुछ और, उसका मजा ही कुछ और. तो एक पैकेट चिप्स एक एक चटका दिए हम लोग. अभी है ये सिंगाड़ा, तो प्लान कर रहे थे कचौड़ी खाने का, लेकिन कचौड़ी यहाँ पे है नहीं, ख़त्म हो गया. तो इसके बाद चाय वाय पियेंगे फिर इधर से निकलते हैं. सो अभी हम लोग यहाँ पे एक लोकेशन पे आए हैं. तो हम लोग ऊपर से जा रहे थे जहाँ पे ब्रिज है, बट यहाँ पे एक बढ़िया सा लोकेशन दिखा तो अभिनव को ड्रोन उड़ाना है एंड बढ़िया फुटेज भी आएगा. तो सीन यहाँ का कुछ ऐसा है, पीछे दिस इज़ द एंटायर प्लेस, पूरा एक नदी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है बट है, ठीक ठाक पानी है. बस ड्रोन उड़ने वाला है एंड हम लोग एक बढ़िया फुटेज देखने वाले हैं. गाइज, जस्ट चारों ओर हरियाली देखो, इस साइड पूरा हरियाली से भरती हुआ है. एंड वन ऑफ द मेन रीजंस ये आरामबाग होके आने का गाइज इज दैट कि यहाँ से अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग को भरपूर हरियाली और ग्रीनरी दिखेगा,
अगर हम लोग डायरेक्टली नेशनल हाईवे से आते तो शायद इतना हरियाली नहीं दिखता या फिर ये विलेज टाइप सीन्स नहीं दिखता, और हम लोग को मेनली यही देखना था। तो अगर आपको भी ऐसा सीन सीनरी देखना है तो इसी रूट से आप आ सकते हो, विलेज रोड से आ सकते हो। वैसे अपना डेस्टिनेशन है और 10 से 12 किलोमीटर्स, सो गूगल मैप्स के हिसाब से दिखा रहा है, और 19 से 18 मिनट, सो देर किस बात की। चलो मिलते हैं डायरेक्टली लोकेशन पे। सो गाइज वेलकम टू जयपुर फॉरेस्ट। जस्ट लुक एट दिस प्लेस गाइज, ये जगह देखो बस, दोनों साइड एकदम घना जंगल और इतना अच्छा हाईवे। मतलब इतना दिन तो जस्ट सुना था, बट अभी जब ये देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों साइड पूरा घना जंगल है एंड बीच से इतना मस्त एक रोड जा रहा है। सो अभिनव रेडी हो रहा है थोड़ा सा ड्रोन वगैरह उड़ाने के लिए। एंड जस्ट यहाँ पे कितना साइलेंस है वो देखो यार, कितना साइलेंस है। जस्ट कुछ गाड़ी जा रहा है उसका ही आवाज़ है, बाकी यहाँ पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो सुपर है यार, सुपर है। व्लॉग में तो देखा था बहुत अच्छा लगा था, एक्चुअली में आके और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक दिस प्लेस इज सो पीसफुल यार, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए, रिमोट प्लेसेस, आउट स्टेशन जाने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बात है कि लोगों को बहुत कुछ पता नहीं होता है। सो एक मज़े का बात है कि अभी अराउंड 11:30-12 बज रहा है, दोपहर का टाइम है, काफ़ी धूप है, लेकिन जैसे हम लोग इस फॉरेस्ट एरिया में आ गए ना, एक ठंडा एक फीलिंग आ रहा है। मतलब उतना गर्मी नहीं लग रहा है एंड एक ठंडा कूल इफेक्ट है। सो आई थिंक दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन द इकोसिस्टम। सो प्लांट एज मच एज ट्रीज एज पॉसिबल एंड सेव द एनवायरनमेंट। सो गाइज जयपुर फॉरेस्ट से और थोड़ा आने से आएगा ऐसा आपका पूल, एक छोटा सा पूल है यहाँ पे, और इस पूल से आपको लेफ्ट लेना है अगर आपको वो एयर स्ट्रिप में जाना है जिसको लोग बोलते हैं चाताल, पॉपुलरली नेम्ड एज चाताल। वो एक्चुअली एक पुराना एयरबेस है, एयर स्ट्रिप है, जहाँ पे बहुत पुराने टाइम में वो यूज़ होता था। एरिया यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो हम लोग भी यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं। ये है वो रोड, यहाँ से आपको लेना है लेफ्ट एंड ये रास्ता जाता है टूवर्ड्स चाताल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं उस ट्रेल पे जो वो एयर स्ट्रिप पे लेके जाएगा हम लोग को, ब्रिटिश एयर स्ट्रिप। सो यहाँ से एकदम सीधा जाना है 4-5 किलोमीटर। ये है यहाँ का कैनाल और ये कैनाल के पास पास से जाना है 4-5 किलोमीटर, तब हम लोग पहुँच जाएंगे चाताल। एंड यहाँ पे देखो सब भैंस को नहला रहे हैं, दे ऑल्सो हैविंग अ गुड टाइम हियर। बहुत गर्म भी है। सो यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग आएगा, लेवल क्रॉसिंग, वो आप लोग को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड ये लेवल क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद आपको लाल मिट्टी मिलेगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा आराम से गाड़ी चलाना, बिकॉज यहाँ पे गाड़ी का चक्का बहुत स्किड करता है। मस्त है यार। सो नाउ वी आर इन द लैंड ऑफ लाल माटी। हे गाइस, सो वी हैव कम टू चाताल। ये है वो चाताल एरिया एंड इसको ब्रिटिश कुछ एयर स्ट्रिप भी बोलते हैं, लाइक ब्रिटिश के टाइम में ये कुछ यूज़ होता था। यहाँ है अपने दो बाइक्स। सो ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हो एयर स्ट्रिप, ये 3-4 किलोमीटर रन करता है, लंबा है। यहाँ पे कुछ लोकल्स के साथ बात हो रहा था, तो यहाँ पे जनरली न्यू ईयर टाइम एंड क्रिसमस के टाइम में काफ़ी पिकनिक वगैरह होता है, तो दैट टाइम इट्स लाइक फुली पैक्ड अप विद पीपल। बट अभी तो पूरा खाली है, अभी मैं ही और अभिनव हूँ और कुछ कुछ टूरिस्ट आए थे जो गाड़ी करके निकल गए। सो ड्रोन रेडी है, अभिनव भी रेडी है, बस अभी उड़ना बाकी है।
सो ये है इस फॉरेस्ट का इंटीरियर्स। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभिनव यहाँ पे खड़ा है एंड यहाँ पे जस्ट ट्रेल देखो गाइस, यहाँ पे जस्ट ट्रेल देखो, क्या ट्रेल है और क्या जगह है। तो फटाफट यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह निकालते हैं एंड फिर मिलते हैं थोड़ा देर में। बंगाल में इतना कुछ है गाइस एंड लोगों को पता भी नहीं होता है। अगर आपको ऐसा राइड्स पसंद है जंगल के बीचों में तो आप आ सकते हो इस जगह में, एक्सप्लोर कर सकते हो। गाड़ी लेके आओ, बाइक लेके आओ, जो भी आओ, बट यू कैन कम एंड यू कैन पे अ विजिट। बहुत मस्त जगह है एंड एकदम रगेड है। सो गाइज, वो ब्रिटिश एरोड्रोम से हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग बिष्णुपुर साइड से गोनगोनी की तरफ जा रहे हैं। गोनगोनी इज़ बेसिकली नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ वेस्ट बंगाल। सो बहुत ही अच्छा एक कैनियन है, नीचे से रिवर रिवर फ्लो करता है, तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा हम लोग को। अभी सनसेट का टाइम है, सो पास में ही है वो लोकेशन, तो सोचा यहाँ पे आए हैं तो क्यों ना वो जगह भी एक बार विजिट कर ले। सो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं गोनगोनी, यहाँ से बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे एंड एक मस्त टाइम पे हम लोग आए हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी सनसेट हो रहा है। सो इस टाइम में सनसेट देखने का मज़ा यहाँ पे कुछ अलग ही रहेगा। हे गाइस, वेलकम टू गोनगोनी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये नेचुरल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब इरोजन होते होते ऐसा हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है एक लवली सनसेट, तो अभी बज रहा है अराउंड 5, तो मस्त एक सनसेट दिख रहा है। एक बार मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आऊँ या ना आऊँ, मतलब विल इट बी वर्थ, बट यहाँ पे आने के बाद और ये सनसेट देखने के बाद इट इज़ लाइक कम्प्लीटली वर्थ कमिंग हियर। मज़े कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं आगे पीछे क्या क्या है, पिक्चर्स ले रहे हैं बढ़िया बढ़िया। सो गाइज, यू आर ऑल सेट टू लीव फ्रॉम गोनगोनी। काफ़ी पिक्चर्स वगैरह लिया, ये सब मस्ती किया, पीछे में सनसेट हो रहा है एंड अभिनव भी ड्रोन हो रहा है, काफ़ी मस्ती किया। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, टू हेल्प अस इन द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब, द मेन फैक्टर इज दिस। एग्जैक्टली, लाइक करने से एल्गोरिथम में हम लोग को हेल्प होता है। एल्गोरिथम टू बी प्रिसाइज, यू नो, सो टू हैव अ गुड इंग्लिश, वी जस्ट विजिटेड द ब्रिटिश एयरपोर्ट। यस, सो गाइज, इसी से आज का व्लॉग एंड करते हैं, बिकॉज एज सच और कुछ दिखाना है नहीं एंड शाम भी हो रहा है, तो अभी बस घर वापसी है एंड कहीं जाके कुछ खाना वाना करेंगे। तो एंड खेल खत्म, खेल अभी खत्म है, तो फिर मिलते हैं अगले कुछ कंटेंट लेके, कहीं अगर हम लोग निकलेंगे तो वो सब दिखाएंगे फॉर श्योर। एंड अभिनव का सारा गैजेट्स तो आ गया है, तो बीच बीच में ऐसा होता ही रहेगा। लद्दाख का सीरीज देख लो, ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एकदम एकदम, अगर आप लोग मेरा लद्दाख सीरीज नहीं देखे अभी तक तो यू कैन गिव इट अ चेक, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा लिंक। सो मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेके बहुत जल्द। टिल देन कीप सेफ एंड गुड बाय।